Hello, dear all students. I am Sunita from STS Vidyapeeth. Welcome to STS Vidyapeeth online classes. Today, in your nursery class and in your math subject, we are learning about digit. Okay, in digit, we are learning about digit number 6. Okay, students. आज आपके मैथ की क्लास में हम पढ़ेंगे डिजिट्स के बारे में और डिजिट में नंबर 6 के बारे में. ओके, यहाँ देखिए, यह है डिजिट आपका डी आई जी आई टी, यानी डिजिट. डिजिट यानी अंक. क्या होता है बच्चों? अंक. मैंने आपको बताया था डिजिट मींस क्या होता है? अंक. ठीक है, अंकों में हमने अभी तक क्या सीखा है? 1, 2, 3, 4, 5. फिर से अगेन 1, 2, 3, 4, 5. आज हम सीखेंगे किसके बारे में? 6 के बारे में. किसके बारे में? 6 के बारे में. हमने यहां पर रीडिंग कर लिया, अब हम फिंगर्स में से काउंट करेंगे. कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5. और आज हम जो सीखेंगे वो है 6. क्या है वो? 6. ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम ये पिक्चर्स को काउंट कर लेते हैं जो हमने बनाया है. ठीक है बच्चों, पिक्चर्स को हम लोग काउंट कर लेंगे, फिर उसे काउंट करके उसका जो आंसर है हम यहाँ पर राइट कर देंगे. ओके, सो आप लोग भी मेरे साथ काम करिएगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, टेल मी हाउ मेनी मैंगोज इज देयर. ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने आम हैं? ये किस चीज का, ये किस फ्रूट का पिक्चर है? ये पिक्चर है मैंगो का. किसका है? मैंगो का. एम ए एन जी ओ, मैंगो. क्या है? मैंगो. मैंगो मीन्स आम. क्या है? मैंगो मीन्स आम. आम आपको पता ही होगा हम किसे कहते हैं, और आम आप लोगों ने खाया भी होगा जो गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा बाजारों में बिकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये है आम. अब हम इसे मैंगो, अब हम इसे काउंट करेंगे. आप लोग भी मेरे साथ इसे काउंट करिए. ओके स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगेन वी आर काउंटिंग दिस 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Tell me how many mangoes is there? There are 6 mango. How many mango? 6 mango. Okay student? तो अब हम यहाँ पर 6 write करेंगे बॉक्स में. आपके मैथ की नोटबुक में जैसे बॉक्सेस बने होते हैं, आप लोग देखिए मैं कैसे 6 बनाती हूँ. ओके, सबसे पहले हम ऐसे कर्व लाइन लेंगे. कर्व लाइन ऐसे बनाएंगे, यानी कि सर्कल लाइन जैसे, सर्कल जैसे बनाएंगे हम ऐसे. देखिए ऐसे हमने सर्कल जैसे बना लिया थोड़ा सा ऊपर से. अब हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ से स्टैंडिंग लाइन बनाते आएंगे. स्टैंडिंग लाइन हमने बना ली, अब हम यहाँ से सर्कल बनाएंगे. देखिए ये बन गया सर्कल, छोटा सा सर्कल. ठीक है, ये देखिए एक तरीके से मैंने ऐसे बना दिया. अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए 6 बनाने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप पहले एक सर्कल बना लीजिए. अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है यानी मुश्किल लग रहा है, आपने ऐसे एक सर्कल बना लिया. अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हाफ सर्कल बनाते हुए ऐसे जोड़ देंगे. क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे. तो ये क्या बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा आपका नंबर 6. क्या बन जाएगा आपका नंबर 6? देखिए ये बन गया आपका नंबर 6. ओके, तो देखा आपने बहुत ही इजी है. एक बार आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे ऊपर से ही हाफ सर्कल बना के एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ तक खींचिए, फिर वहीं से सर्कल बना लीजिए. ठीक है, सेकेंड बारे में आपको क्या करना है, अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए, उसके बाद आप ऊपर से ऐसे कर्व लाइन बनाते हुए ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए. ठीक है बच्चों, तो देखा आपने हमने 6 यहाँ बनाना सीख लिया. अब हम इसके आगे क्या राइट करेंगे,
डिजिट 6, क्या राइट करेंगे? डिजिट 6। एक बार हम फिर से इन मैंगोज को काउंट कर लेते हैं। ओके, चलिए काउंट करिए मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। There are 6 mangoes. How many mangoes? There are 6 mangoes. Okay? तो उम्मीद है आप लोगों को ऐसे काउंटिंग करना आ गया होगा जहां तक मैंने अभी बताया है, और आप लोग ऐसे ही आगे ऐसे काउंटिंग भी करते रहेंगे। अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप अपने फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं। कैसे? वो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया, आप जरूर देख लीजिए और इसे दोहराते रहिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट डिजिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।